मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पूरे राज्य में एक ही दुकान में मुर्गा और दूध बेचा जाएगा। योजना के तहत भोपाल में एक दुकान खोल दी गई है। इसे लेकर राज्य के पशुपालन मंत्री ने कहा कि लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले अंडे और दूध दोनों साथ में मिलेंगे। चिकन पार्लर में कड़कनाथ मुर्गा भी मिलेगा। भोपाल में हमारा जो BCA का जो हमारा ऑफिस है, उसके सामने आपने देखा होगा कि एक हमने पार्लर टाइप का खुलवाया है। उसके पास 100% शुद्ध हमारा जो है कड़कनाथ का मांस, शुद्ध अंडे और शुद्ध 100% प्योरिटी दूध वाला है। तो हम मध्य प्रदेश में मैं ऐसे सभी जगह पार्लर खुलवाने जरूर, जो 100% गारंटी चैलेंज के साथ शुद्धता की गारंटी लेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध दूध, शुद्ध मावा, शुद्ध हमारा जो है मांस, ये सारी चीज़ों में, अंडे में, सब में शुद्धता लाने का मैं काम करने की कोशिश करूँ। वहीं सूबे की कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने कड़ा एतराज जताया। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि क्योंकि गाय के दूध को मुर्गे और अंडे के साथ बेचा जा रहा है, इसीलिए हम इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। हम लोगों की आपत्ति है कि कांग्रेस को इस बात का समझना चाहिए कि गाय का शुद्ध दूध भगवान के अभिषेक में आता है, चाहे वो भगवान महावीर स्वामी जी का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, या भगवान गौतम बुद्ध का हो। दूसरे फलार में भी गाय के दूध का लोग अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। तो चिकन मटन कांग्रेस की आवश्यकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भी व्यवसाय को वो बढ़ाए और अधिक से अधिक पार्लर खोले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात पर आपत्ति है कि कांग्रेस जो है चिकन मटन के साथ साथ गाय का शुद्ध दूध बेचने का जो धंधा करने का कोशिश कर रही है, उससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और हिंदू धर्म की पवित्रता पर आँच आ रही है। इसलिए हमारी करवद्य प्रार्थना है कि कांग्रेस कम से कम एक बार इस मामले में पुनर्विचार करे, चिकन मटन का पार्लर अलग खोले, अलग व्यापारी को दे, और दूध का पार्लर अलग खोले, उससे दूर खोले और अलग व्यापारी को दिया जाए। भाजपा का कहना है कि सूबे की कांग्रेस सरकार इस पर विचार करे, दूध और मुर्गे के आउटलेट्स को एक दूसरे से कुछ दूरी पर खोला जाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।